तो सबसे पहले तो आप लोग देख लो कि क्या हमने एडिटिंग किया और क्या आप लोग सीखने वाले हो। हालांकि मैं कोई वीडियो एडिटर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद मैं अपने आप को नहीं रोक पाया कि इस टाइप का एडिटिंग कैसे करते हैं और इस टाइप के मैं आप लोग के लिए क्यों ना एक ट्यूटोरियल लाऊं। तो बंदा हाजिर है गाइस एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आप लोगों को भी इस टाइप का रील अगर आप लोगों को क्रिएट करना है तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड फुल वॉच करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पार्ट वन, सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो में एक चीज नोटिस किया होगा, सीट वगैरह पे जहाँ जहाँ एक्सपोजर ज्यादा है ना वहाँ पे एक ग्लोइंग इफेक्ट कैसे देना है, तो चलो बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को कैपकट ओपन करना है, बिगिन कनेक्ट कर। कैपकट ओपन करने के बाद आप लोगों के यहाँ पीछे इंटरफेस होगा, उसके बाद आप लोगों को अपना वीडियो जो भी उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आप लोगों को जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में, आप लोग को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को जाना है वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन में, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इफेक्ट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में ही आप लोगों को मिल जाएगा एजेस ग्लो, इस पे इसको डाउनलोड करके इसको अप्लाई कर लेना है अपने वीडियो पर, देन ये ग्लो हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो अंधे को दिखाता है जिसमें यार मतलब वेनम टाइप का, इसमें आंख मतलब ग्लोइंग आईज रहता है एंड बैकग्राउंड में कुछ अच्छा सा मतलब सर्कल टाइप का वीडियो चलता रहता है, तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बस इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को बॉडी इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आप लोगों को जो आईज़ का मतलब ये ग्लोइंग लेंस है ना उस पर जाके ये वाला आईज़ वाला इफेक्ट आपको चूज़ कर लेना है। अगर आप लोगों को और आईज़ वाला इफेक्ट चाहिए सुपर पावर वाला, तो यहाँ पर जाना है, आप लोगों को सुपर पावर का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। तो फिर अब आपको इस इफेक्ट को देने के लिए यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी नॉर्मल पिक्चर वो इम्पोर्ट कर लेना है, और उसके बाद एक मतलब जो भी अपना जो वीडियो में बैकग्राउंड में देना चाहते हो उसको मतलब इंपोर्ट करना, जो वीडियो है तुम्हारा जो शूट किए हो उसको इंपोर्ट करने के बाद अब बस इसको मतलब यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। देन एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को है ना इसका मतलब यहाँ पे जाओगे ना तो एक रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना और ये रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे देख लो साइड में प्रोसेसिंग लेने लगता है ये वाला, ये 100% हो जाने के बाद ये खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद जो कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को फिर से जाना है वही मतलब ओवरले वाले ऑप्शन में एंड फिर से वही वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है जो कि जिसने आपने अभी बैकग्राउंड इरेज किया है। अब उसको इंपोर्ट करने के बाद इसको एकदम सेम साइज़ में एडजस्ट कर देना है एंड देन उसके बाद जो मतलब वेस्ट पार्ट है जो जहाँ नहीं रखना चाहते उसको स्प्लिट कर देना है यानी डिलीट, और जो सबसे टॉप वाला लेयर है ना उसको सबसे नीचे रखेंगे एंड जो अभी नया नया उसको ऐड किया ना उसको ऊपर रखेंगे एंड इसको जो वेस्ट पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे। एंड देन अब आप लोगों को वो वीडियो इंपोर्ट करना है जो आपको बैकग्राउंड में लगाना है, तो मैं अभी वीडियो के जगह एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि यही फोटो, तो इसी को मैं कॉपी करके लेयर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर जाके मैं ये लेयर पर क्लिक कर दूंगा, ये लेयर पर आ गया। अब इस लेयर को इन दोनों लेयर के मेन लेयर के बीच में रख देना है। अब उसके बाद इस लेयर पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को सेकेंड वाला यहाँ ये लेयर वाला ऑप्शन है उस पर जाके इस पर सेकेंड नंबर पे टैप कर देना। अब उसके बाद देखो ये बैकग्राउंड के पीछे हो गया ना हमारे मॉडल के बैकग्राउंड के पीछे, बस अब इसको जहाँ मन चाहे एडजस्ट कर लो। इफेक्ट नंबर थर्ड, आप लोगों ने एक और चीज नोटिस किया, क्रिएट किया था एक बैक में आया और उसके बाद वीडियो चलने लगा, उसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पे अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे अच्छे से। तो इसको मतलब ये इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को अपना जो वीडियो अपना जो आइलेंस वाला भी आपने बनाया है जिसमें आई आप लोग ग्लो कर रहा था बिल्कुल वेनम टाइप का, उसको इंपोर्ट करना है एंड जो वेस्ट मतलब वीडियो है वेस्ट पार्ट उसको आप लोगों को डिलीट कर लेना है। वो आप अपने हिसाब से डिलीट करना है, मैं अपने हिसाब से कर ले रहा हूँ। उसके बाद जाना ओवरले वाले ऑप्शन में एंड अपने वीडियो को एक इंपोर्ट कर लेना है, मतलब वीडियो नहीं बोल सकते हम क्या, हाँ वही जो वीडियो जो आपने मतलब जो आपको करना है वीडियो के साथ वो वाला इंपोर्ट कर लेना है एंड उसके बाद ऐड करूँगा मैं किधर गया वीडियो, हाँ ये वाला वीडियो इधर आप लोगों को ऐड कर लेना है और यहाँ से आप लोगों को जो मतलब वेस्ट पार्ट लगे ना उसको कट कर देना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कट करूँगा ये, हाँ ये परफेक्ट है, मैं इसको अच्छे तरीके से कट कर दूँगा, स्प्लिट करूँगा एंड यहाँ से ये वाला पार्ट डिलीट कर दूँगा। अब इसको ले आऊँगा सबसे आगे जहाँ से मेरे को इफेक्ट अप्लाई करना है उसके हल्का सा आगे ले आऊँगा एंड यहाँ पे आप लोगों को ये वाला पिक्चर को मतलब ऐसे स्टॉप करना है और यहाँ से आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट लेना है एंड इसका जो है ना बैट का बैकग्राउंड इरेज कर देना है। और इरेज करना नहीं आता तो आप लोगों को मेरे वीडियो पे चैनल में मतलब मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना। अब इसको इरेज करने के बाद आप लोगों को जाना है डायरेक्ट इम्पोर्ट कर लेना है वही फ़ोटो जो आप लोगों ने बैकग्राउंड इरेज कर लिया है। तो मैं जल्दी से इम्पोर्ट कर लेता हूँ।
तो बस इम्पोर्ट मैंने कर लिया। अब इसको एडजस्ट करने के बारे, तो यहाँ से मैं दोनों फिंगर को टैप करके मतलब अच्छे से बैट पे एकदम सेम साइज पे एडजस्ट कर दूंगा। आप लोग भी अच्छे से एकदम एडजस्ट करना ताकि ये लगे ना कि मतलब PNG ऊपर से थोप दिया है। तो अच्छे से एकदम पूरा परफेक्टली मतलब एरेज, मतलब क्या बोलते हैं, इरेज नहीं, एडजस्ट करना। अब उसके बाद इसको हल्का सा आगे रखना है, इसको स्प्लिट कर देना है जो आगे से मतलब दाएं वाला पार्ट है, दाएं साइड से राइट साइड से। अब इसको जाना है मतलब इस पर क्लिक करना है, इस पिक्चर पर आप लोग देख रहे हो इफेक्ट कैसा हुआ। इस स्क्रीनशॉट वाला मतलब बैकग्राउंड एरियाज वाला फोटो पे आप लोगों को क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोगों को एक एनिमेशन दे देना है शेक वन। एनिमेशन दे देने के बाद आप लोगों को मतलब यहाँ से आप लोगों को मेन लेयर पे क्लिक करना है और इसको स्प्लिट करके कर देना है डिलीट। एंड ये वाला जो बैट वाला वीडियो है ना उसको ले आना है मिनिमाइज करके सबसे ऊपर वाले लेयर में। और उसके बाद आप लोगों को एक और शेक वन इफेक्ट, वही वाला इफेक्ट आप लोगों को इस पर अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो वीडियो है ना मतलब बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों को सारे फाइनल वीडियो में आप लोगों को एक इफेक्ट तैयार करना है, मतलब एक इफेक्ट लगाना है जो कि है ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक फ्लैश में होगा। आप लोग चेक कर लेना, उस पर मिल जाएगा एंड उसके बाद आप लोगों का फाइनल वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय।